Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum. Assalamualaikum everyone. जैसा कि आप लोगों को पता है रमजान का महीना है और आज संडे है तो हमने सोचा कि आज इफ्तारी को चलते हैं सारे इकट्ठे होके तो बस हम लोग बस हम लोग निकल पड़े हैं. हम लोग जाएंगे गाइस हवेली रेस्टोरेंट पे जो कि यहां से तकरीबन 30 से 35 मिनट की ड्राइव है. बहुत सख्त भूख लग रही है इस वक्त और तकरीबन घंटा एक रह गया इफ्तारी को और मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है दोनों भाइयों का. इनका दोस्त रोजा भी नहीं है तो मैंने कहा चलें. आपको बताते चले ये दोनों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं. ये मेरा ताल्लुक मीरपुर आजाद कश्मीर से है और इस्लामाबाद से. मैं 3 साल हो गए इधर स्टडी पे पढ़े तो आई थिंक अली भाई अब हमें निकल जाना चाहिए. अभी हम निकलते हैं तो हम लोग आपको दिखाते हैं कि हवेली रेस्टोरेंट का सीन क्या है, क्या क्या चीजें वहाँ पर. आप सबने जाना कहीं नहीं आज ये एंड तक जरूर देखें. बहुत फन होने वाला है. अली भाई दिखाएंगे आपने जाना नहीं है. में आ चुके हैं और शदीद भूख लग रही है. बस थोड़ा वक्त रह गया इफ्तारी को. मेरे साथ अली भाई मौजूद हैं. बहुत भूख लगी है यार. अभी तो आई थिंक 10 या 15 मिनट पड़े हैं इफ्तारी में और ये पेट पहले 6 ऐप थे अभी 8 ऐप है. बस थोड़ा वक्त रह गया. कहते हैं इनकी बिरयानी बहुत अच्छी है. मोहित भाई बिरयानी कैसी लग रही है? शादियों में इस तरह फोटोग्राफर पीछे पड़ जाते हैं. आप वो लगा कैसी लग रही है बिरयानी आपको इनकी? प्लेटों में मार रहे हमारी. और स्नैन भाई वो बार भी कैसे अच्छा है? अच्छा है कैसे नज़र लग रही है. कहते हैं कि रमज़ान में लोगों का वेट बढ़ जाता है इसीलिए बढ़ता है. ये देखो जितना रोज़ा पूरा दिन बंदा पेट खाली रखता है और इतना खाता है ना ये प्लेट फुल थी स्नैन इसने कुछ नहीं छोड़ा इसने. अफ्तारी बहुत अच्छी रही तो अभी मेरे दोस्त रिव्यू देंगे. बहुत अच्छा लगा सर. बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है. फूड भी अच्छा था. खाना था. एंजॉय किया हम सब ने और बस अब चल रहे हैं. बहुत लंबा है बेंच नीचे हो थोड़ा सा. और बेंच चोट नहीं क्या यार? बेंच चोट गलत कार्ड. बेंच चोट क्यों गया? नहीं इसको पंच कर देते हैं. पंच कर देते हैं ठीक है. तो गाइस प्लीज विजिट हियर हवेली रेस्टोरेंट. चीप भी है. कितना बिल बना था मेज? 48 तीन बंदे. और आप लोगों ने खाना देख लिया कितना अच्छा है. खाना शाना खा कर अभी हम लोग घर जा रहे हैं. रात के तकरीबन 9 बजने लगे तो तरावियों को पहुँच रहे हैं. बस घंटे का टाइम है हमारे पास. तकरीबन 40 मिनट है या 40 हम पहुँच जाएंगे. होपफुली अभी हम तरावी तक पहुँचेंगे. वो पीछे एक बंदा बैठा है मोहित. उसको आपने पहले भी देखा है. इसके जीन्स में ऐसी चीज़ें हैं कि ये कोई भी बात करता है ना अगर ये सीरियस भी बात करे लाइक फुल अगर सीरियस हो तो भी वो फनी लगती है. मोहित भाई कोई जोक मारे कोई. सर जोक क्या मारे? आपने जीन्स में डाल दी है चीज़ तो ये तो यही खासियत है. ये देखो ये कोई भी करता है तो उस पर ऑटोमेटिकली ऐसी आ जाती है. तो ये स्नैन भाई इन लोगों ने बहुत फन किया. हम एक वीक बाद मिले. लगता है दिन का बहुत लंबा माशाल्लाह. इन्होंने बॉनविटा बहुत पिया जी बचपन. वो मुझे भी कहते थे पिया करो लेकिन मैं लेट हो गया. पिया करें दूध में डाल के अच्छा होता है. गाइस अभी हम लोग घर जाएंगे तो आप लोगों को होपफुली वीडियो अच्छी लगी हो. तो मोहित भाई क्या करना है चैनल को? आप लोगों ने कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि नेक्स्ट वीडियोस तो आपको मिले. और शेयर भी करना है यार. ये भी दोस्तों बेल आइकन को दबाना जो है बिल्कुल ही भूलना. बेल आइकन को दबाएंगे तो जरूर अली भाई को अच्छा लगेगा.